लास्ट क्लास में हमने ये होमवर्क दिया था अपन ने, एक्सरसाइज वन पार्ट वन का A9 A10 B4 B5 ये, ठीक है ना? तो डिस्कस करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, A9 वाला मिडिल टर्म पूछी है, ऑब्वियसली इजीली कर लोगे। वैसे A9 का सेकंड वाला बोल रहा हूँ, A9 का जो सेकंड वाला है, इसमें देखो ये जो लिखा हुआ है, ये वैसे हमने ऐसा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट 3x² - x³ का पावर कितना है 2n। तो ये जो है, क्या मैं इसको 1 - x³³ का पावर 2n लिख सकता हूँ? तो ये बनेगा 1 - x² का पावर 6n, ऐसा बन जाएगा। मिडिल टर्म निकालनी है तो क्या बताया था, पावर डिवाइड बाय क्या कर दो 2, कितना बनेगा 3n। ये आ गई r की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 6nc3n - x³³ 3n, 1³³। ये क्या हो जाएगी हमारी मिडिल टर्म, ठीक है ना? नेक्स्ट मूव करते हैं, B4, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द नंबर 17 to the power this। तो देखो ए कौन सा है, B4 यूनिट डिजिट निकालनी अपने को, गिवन है ये 17 to the power 1995 प्लस 11 to the power 1995 -7 to the power 1995। वैसे तो साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बाइनोमियल का यूज करते हैं। तो देखो इसको लिखा क्या, 10 + 7 का पावर 1995। इसको लिखा 10 + 1 का पावर 1995 -7 का पावर 1995, ठीक है ना? अब इसको ओपन करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1995 C0 7 का पावर 0 10 to the power 1995 प्लस 1995 C1 7 का पावर 1 10 to the power 1994, ऐसे चलेंगे। तो लास्ट सेकंड लास्ट लिख रहा हूँ, 1995 C1 994 10 to the power 1 7 to the power 1994, एंड लास्ट वाला हो जाएगा 1995 C1995 × 7 to the power 1995, ठीक है ना? तो देखो एक चीज अपन ने क्या नोट की, अगर इसकी बात करें तो, जैसे मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ 700 है, 700 को 7 × 10 to the power कितना लिख सकते हैं 2, मतलब बेसिकली 10 to the power 2 बता रहा है कि लास्ट में 2 0 आएंगी। तो यहाँ देखो 10 to the power 1995 बताएगा कि लास्ट में 1995 0 होंगी, यहाँ 1994 0 होंगी। तो मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, जैसे इसकी यूनिट डिजिट, ये 10 to the power 2 है तो 0 आ रही है ना यूनिट डिजिट, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी, इसकी भी यूनिट डिजिट 0 आएगी। सिमिलरली यहाँ तक, क्योंकि इसमें 10 to the power 1 है तो लास्ट में एक 0 आएगा, तो इसकी भी यूनिट डिजिट 0 आएगी, ठीक है ना? इसको एक बार बाद में देखेंगे, ठीक है ना? ऐसे ही इसकी बात की, तो इसको ओपन करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो ये बनेगा 1995 C0 1 to the power 0 10 to the power 1995, ऐसे करते ही लास्ट सेकंड लास्ट लिखा 1995 C1994 10 + 1995, या इसी बनेगा 1, ठीक है ना? और इसको ऐसे लिखा रहने दिया, -7 to the power 1995, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट 0, इसकी 0, इसकी भी यूनिट डिजिट 0, ऐसे ही इन सब की यूनिट डिजिट शायद 0 होगी। तो सिर्फ जो यूनिट डिजिट आएगी वो किसकी वजह से आएगी, 1 की वजह से, बाकी ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट ओवरऑल क्या रहेगी, 1, ठीक है ना? नेक्स्ट B5, B5 का फर्स्ट वाला बहुत इजीली ट्राई कर सकते हो, B5 का सेकंड वाला डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो B5 का सेकंड वाला बोला हुआ है 6 का पावर n - 5n, में किससे डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करें तो व्हाट इज रिमाइंडर। वैसे तो ये n का वैल्यू 1 2 3 रख के भी चेक कर सकते हो, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो 25 कितना होता है, 5 का स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा 1 + 5 का पावर n - 5n, तो ये बनेगा 1 + NC1 5 + NC2 5² + NC3 5³ up to --,
प्लस लास्ट ये कितना है, सॉरी -5n। अब देखो यहां से आगे ये वाले टर्म ये 5² से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर देंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है n, तो 5n और 5n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा, 1। मतलब ये जो है इसको मैं 25 लेमडा प्लस क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवरऑल। ये वहाँ यहाँ से तो ओवरऑल 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 1। ठीक है ना। अब नेक्स्ट B6, B6 वाला प्रूव दैट, ऐसा कल लास्ट क्लास में देखा था हमने, क्या ऐसा ए माइनस बी ऐसा करते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये किया, 101 का पावर 50 माइनस 99 का पावर 50 माइनस 100 का पावर 50, ये कैलकुलेट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये पहले वाला बड़ा होगा, अगर नेगेटिव आया तो सेकंड वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसको देखो, इसको लिखा 100 + 1 का पावर 50 माइनस, इसको 100 - 1 का पावर 50 माइनस 100 का पावर 50, तो ये बनेगा 50C0 100 का पावर 50 प्लस 50C1 100 का पावर 49 प्लस 50C2 100 का पावर 48, ऐसा कुछ बनेगा। माइनस ये और ये सिमिलर एक्सपेंशन है, बस अल्टरनेट माइनस प्लस का फर्क होगा, तो ये बनेगा माइनस यहाँ 50C0 100 का पावर 50 माइनस 50C1 100 का पावर 49 प्लस 50C2 100 का पावर 48, ऐसा कुछ बनेगा। और एक ये पड़ा हुआ है माइनस 100 का पावर 50, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अल्टरनेट टर्म ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बाकी क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ये बनेगा 50C1 100 का पावर 49 प्लस 50C3 100 का पावर 47, ऐसा कुछ बनेगा, और माइनस 100 का पावर 50, ठीक है ना। अब देखो ये होता है 50, 50 × 200, तो ये जो है 100 का पावर 50 बन जाएगा, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये बचा, ये कैसा बचा, पॉजिटिव बचा। पॉजिटिव का मतलब ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये जो है इससे क्या रहा होगा, ग्रेटर रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 की बात करते हैं। 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए का A12 दिया था, बोला हुआ मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, बहुत इजीली कर सकते हो। A12 वाला मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल टर्म के प्लस के डिवाइड बाय 8, इसका मिडिल टर्म 8/2 करेंगे कितना आएगा, 4। तो ये हो जाएगा 8C4 2 का पावर 4 K/2 का पावर 4, दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1120। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 60, ये बनेगा K का पावर 4 = 1120। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 8765, और ये है 4321, तो 4 2 कैंसिल आउट, 3 2 कैंसिल आउट, तो ये बना 70 × K^4 = 1120, ये बनेगा K^4 = 16, के आ जाएगा +-2, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट B2, B3 एंड B4, तो B2 वाला नंबर ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में ऐसा एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है ना। ये है 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/4 का पावर, फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब होता है, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो, नंबर ऑफ रैशनल टर्म, ठीक है ना। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब नंबर ऑफ रैशनल टर्म, तो जनरल टर्म लिखते हैं, तो 100 Cr 3 का पावर r/4 इंटू 2 का पावर 100 - r/2, कैसा बन जाएगा ये। अब देखो यहां से आर किसका मल्टीपल, 4 का, यहां से आर 2 का, तो ओवरऑल एलसीएम लेते हैं तो आर किसका मल्टीपल आ गया, मल्टीपल ऑफ 4। अब पहला आर ऐसा देखना है जिस पे हमारा इंटीजर आ जाए पावर, तो 0 पुट करते हैं तो 0/4 इंटीजर, 0 इंटीजर, तो पहला 0, अगला डेफिनेटली 4, 4 आगे 8, 16 अप टू कितना जाएगा, लास्ट 100, तो
तो कितने टर्म्स हो जाएंगे जी? शायद 26 टर्म हो रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे फ्री फ्रॉम रेडिकल? 26, ठीक है ना। नेक्स्ट v3 वाला वैसे गलती से दे दिया था, तो v3 वाला अभी सॉल्व नहीं कर रहे, आज के लेक्चर के बाद सॉल्व होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट b4, रिमाइंडर व्हेन 27 टू द पावर 40, b4, ठीक है ना। ये बोल रहे 27 टू द पावर 40 को हम किससे डिवाइड करें? 12 से डिवाइड करें, तो ये है 3 का पावर कितना हो जाएगा? 120। इसमें कितना डिवाइड करें? 12 से डिवाइड करें, तो क्या रिमाइंडर होगा? एक्चुअली अगर ट्राई किया होगा तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। तो हम ऐसे देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट से 12 में 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है ना, 12 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 1 8 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4, सही बात है। अब देखो मैंने इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो कैंसिल आउट कर रहा हूँ 4 से, 4 से जाएगा ना, तो ये बनेगा 3/2। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो शायद रिमाइंडर कितना आया? 1। तो जिस फैक्टर से कैंसिल आउट किया, 4 से कैंसिल आउट किया, तो वो मल्टीप्लाई करते तो 4 × 1 4 हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, 12 या कोई भी एग्जाम्पल लेको, और एग्जाम्पल ले लो 6/4, ठीक है ना। 6/4 की बात करते हैं, 6/4 में रिमाइंडर कितना आएगा? अगर डिवाइड करें तो शायद रिमाइंडर आएगा 2, लेकिन कैंसिल आउट करें तो ये 3/2 बनेगा, रिमाइंडर कितना हो गया? 1। तो जिस फैक्टर से कैंसिल आउट किया वो फैक्टर वापस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ करना चाह रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो ये है 3 का पावर 120, ये है 3 × 4, 3 3 कैंसिल आउट होगा तो शायद ये बन जाएगा 3 का पावर 119। में 4 से डिवाइड करने पे क्या निकाल लो? रिमाइंडर। और जिस फैक्टर 3 से कैंसिल आउट किया तो लास्ट में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखो ये तो बहुत इजीली है निकालना, इसको कितना लिखेंगे? 4 − 1 का पावर 119। ये रिमाइंडर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, हटाओ, क्या बचा? −1 का पावर 119, तो आंसर आएगा −1। नेगेटिव जब रिमाइंडर होता है तो बोला था ना, अगर नेगेटिव −1 रिमाइंडर आ रहा है तो +4, जो डिवाइजर ऐड करेंगे तो −1 + 4 कितना आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और एक्चुअल में 3 फैक्टर से ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 9, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, कौन सा वाला? डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में दिया था 8th, 9th एंड 10th, तो 8th वाला फ्रैक्शन वाला ऐसा कल ट्राई किया था, तो ये अपने आप ट्राई कर सकते हो। वैसे ये है 82 × कितना है? फ्रैक्शन ऑफ 3 का पावर 1001/82, तो होता है ना, क्या आंसर था? रिमाइंडर बाय डिवाइजर, डिवाइजर है 82, तो नीचे तो 82 आ जाएगा, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो इसको लिखा 3 × 3 का पावर 1000, 3 × 3 का पावर 4 का पावर 250, 3 × ये बनेगा 81 का पावर 250। इसको लिख दिया 3 × 82 − 1 का पावर 250, तो 82 तो रिमाइंडर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो आंसर दे देगा 3 × 1 = 3, आएगा 3/82। इंटू बाहर 82 मल्टीप्लाई है, 82 मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा? 3। तो 8th वाले का आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट 9th वाला देखो, अपने को ये गिवन है 39C3R − 1, और इसको इधर ले आया +39C3R इज इक्वल टू 39CR2 + 39C R2 − 1, ठीक है ना। इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गए हम, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या? ये फॉर्मूला बनेगा 40C3R = ये बन जाएगा 40C R2। तो अब दो बातें हुई, या तो क्या होगा, आर स्क्वायर हमारा 3R के इक्वल हो जाए, या R2 + 3R किसके इक्वल आ जाए? 40। तो इसको सॉल्व करते हैं तो R आ जाएगा हमारा 0 और 3, इसको सॉल्व करते हैं तो ये R2 + 3R − 40 = 0, तो ये बनेगा R आएगा शायद −8 और 5, ये है ना, −8 और 5। अभी देखो 0, 3, −8 और 5 चेक कर लो कौन कौन सा, इसको 0 सेटिस्फाई करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो 0 तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। 3 रखते हैं तो ये
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो 3 वाला आंसर रहा होगा। -8 सीधा ही रिजेक्ट हो जाएगा। 5 रखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 5 वाला भी आंसर होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर हो जाएंगी हमारी 2, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 10th वाला, ठीक है ना। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर और ये दे रखा है, तो इसमें देखो मैं थोड़ा पार्ट वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो एन सी के अपॉन एन सी के माइनस 1 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लेता है तो ये हो जाएगा एन माइनस के प्लस 1 अपॉन के, ठीक है ना। अब ये वैल्यू रिप्लेस करते तो अपने को अंदर समीशन के अंदर गिवन है, समीशन के अंदर गिवन है क्या, के इक्वल्स टू 1 टू एन के क्यूब अपॉन एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 2, और ये यहाँ इसकी जगह रिप्लेस करते तो एन माइनस के प्लस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर, ठीक है ना। समीशन के पे लगाए तो ये वाली क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो ये बनेगा 1 बाय एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 2, समीशन के इक्वल्स टू 1 टू एन, कैंसिल आउट करोगे तो के इंटू ये बनेगा एन प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं इसको, तो ये बनेगा के इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 एन प्लस 1 इंटू के, तो बनेगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के प्लस के क्यूब माइनस ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू के स्क्वायर का समीशन के इक्वल्स टू 1 टू एन। समीशन अलग अलग होगा, तो ये बनेगा एन प्लस 1 का स्क्वायर इंटू के, समीशन के बन जाता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2, प्लस ये बनेगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये आ जाएगा 4, माइनस ट्वाइस एन प्लस 1, ये बनेगा एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6 शायद, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखो शायद एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल के आ रहा है सब में, एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ से एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल के आया, और नीचे से शायद 2 कॉमन निकल के आ रहा है, बाय 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। तो एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल के आया, बाय 2 कॉमन निकल गया, तो ये बनेगा एन प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस, यहाँ एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कॉमन आया तो ये बनेगा एन बाय 2, यहाँ से एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकल के आया तो ये बनेगा माइनस 2 बाय 3 टू एन प्लस 1, ठीक है ना। अब ये बना एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 6, तो ये आ जाएगा 6n प्लस 6 प्लस 3n माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4, तो 8n माइनस 4, तो एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये बनेगा 9n प्लस 2 अपॉन 6, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा ना, यह आया 9n माइनस 8n और ये 6 माइनस 4। अब हमें इसके बाहर अलग से क्या गिवन है, एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 2, तो 1 अपॉन एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 2 गिवन, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बनेगा 1 बाय 12, 1 बाय 12 और पावर शायद माइनस 1 दी हुई है, तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का फर्स्ट, ये अपने आप करोगे, ऑलरेडी हमने क्लास में ऐसा सॉल्व किया इसलिए मैं नहीं सॉल्व करवा रहा। सेकंड वाला ये है, सेकंड वाला क्या, 7 का पावर 9 प्लस 9 का पावर 7 इज डिविजिबल बाय, तो इसको लिखते हैं, देखो ऑप्शन से आइडिया लगा, ऑप्शन में 16 24 64 और 72 है, ये सारे के सारे 8 से हैं डिविजिबल, तो हमने इसके हिसाब से इसको लिख दिया 8 माइनस 1 का पावर 9 प्लस 8 प्लस 1 का पावर 7, ठीक है ना। और इसको थोड़ा ऐसा लिख लिया 1 प्लस 8 का पावर 7 माइनस 1 माइनस 8 का पावर 9, तो ये बनेगा 1 7 सी 0 प्लस 7 सी 1 8 प्लस 7 सी 2 8 स्क्वायर, ऐसे टाइप का बनेगा। और ये माइनस 9 सी 0 माइनस 9 सी 1 8 प्लस 9 सी 2 8 स्क्वायर, ऐसा टाइप का कुछ बन जाएगा ना। अभी देखो
ये बना 7C01 प्लस ये बनेगा 56 प्लस 7C28 स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, यहाँ माइनस 1 प्लस 72 प्लस सॉरी 1 माइनस 72 प्लस 9C28 स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखो ये 1 और ये 1 हो गया कैंसिल आउट, इनको ऐड करते तो ये बना 128 प्लस 7C28 स्क्वायर माइनस 9C28 स्क्वायर, ऐसा टाइप का कुछ बनेगा ना। अगले वाले में 8 क्यूब आएगा, ये आएगा। तो देखो ये भी शायद ऑप्शन से देखें 16 से डिविजिबल है, और इसमें भी 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और आगे 8 क्यूब है तो 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये 16 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 24 से ये डिविजिबल नहीं है तो नहीं बोलेंगे कुछ भी। 64 से ये भी डिविजिबल है और ये भी 64 का मल्टीपल है, 72 के बारे में नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है ना, ए एंड सी। थर्ड वाला डिस्कस कर रहे हैं। ए एन लिखा हुआ है 1000 का पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है ना, और ए एन ग्रेटेस्ट चेक करना है। तो देखो हमने बोला ए वन होगा 1000/1, ठीक है ना। ए टू बात करें तो 1000/2 मतलब 1000/1 × 1000/2 ऐसा लिख सकते हैं। ए थ्री की बात करें 1000³/3 मतलब 1000/1 1000/2 1000/3। देखो एक पैटर्न देखो क्या चल रहा है, 1000/1 है ए वन में, ए टू में कुछ और मल्टीप्लाई होगा 1000/1 में, ए थ्री में ए टू वाले में कुछ और मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ए फोर होगा तो 1000/4 मल्टीप्लाई होगा, ए फाइव होगा 1000/5 मल्टीप्लाई होगा। तो मैं एक चीज अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई नंबर है 5, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट से वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5/3/2 है, 1 से बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो क्वांटिटी है, अगर ये 1 से बड़ी है तो ये जो नंबर आएगा शायद ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही 5 में अगर मैं 1 से छोटा 2/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर 5 से क्या हो जाएगा छोटा, और 5 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर 5 के क्या रहेगा इक्वल। तो अगर किसी क्वांटिटी में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करें तो वो क्वांटिटी पहले वाली क्वांटिटी से क्या हो जाएगी बड़ी, 1 से छोटा मल्टीप्लाई करें तो छोटी हो जाएगी, और अगर 1 ही मल्टीप्लाई करें तो इक्वल रहेगा। तो देखो इसी पैटर्न पे फॉलो करते हैं। देखो ए वन से ए टू में जा रहे हैं तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ए वन से ए टू क्या रहा होगा बड़ा रहा होगा। ए टू से ए थ्री में जो जा रहे हैं तो ए थ्री में 1000/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली ए थ्री और बड़ा, ऐसे ए फोर में 1000/4 मल्टीप्लाई होगा और बड़ा, ए फाइव में 1000/5 मल्टीप्लाई होगा बड़ा, ऐसे चलते रहेंगे। तो देखो ए 997 की बात करूं तो 1000/997 अगेन 1 से बड़ा है बड़ा होगा, फिर ए 998 1000/998 मल्टीप्लाई होगा और बड़ा हो जाएगा, ए 999 में 1000/999 मल्टीप्लाई होगा तो और बड़ा हो जाएगा। अब ए 1000 में 1000/1000 मतलब 1000/1000 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर पुराने नंबर के क्या रहेगा इक्वल। फिर अगले वाले में ए 1001 में 1000/1001 मल्टीप्लाई होगा मतलब 1 से छोटी क्वांटिटी, तो ग्रेटर देन मतलब ये ए 1000 इससे बड़ा रहा होगा, ए 1001 छोटा, फिर ए 1002 और छोटा, तो इसका मतलब ये देखो ये सीरीज इंक्रीज की, बीच में ये दो नंबर बराबर आए फिर वापस डिक्रीज करने लगी, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी ए 999 और ए 1000, ठीक है ना। नेक्स्ट सिक्स वाले की बात करते हैं। बोला हुआ सम ऑफ कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन, कल ही किया हमने, सम ऑफ कोफिशियंट निकालने का मतलब होता है वेरिएबल की जगह क्या रख दो 1, तो अगर वेरिएबल की जगह 1 रखेंगे तो शायद ए बराबर आ जाएगा 1 − 2 + 5 का पावर n मतलब 4 का पावर n शायद ये आएगा ना, और दूसरे वाले में अगर 1 रखते हैं तो बी बराबर आ जाएगा 1 + 1 का पावर 2n मतलब 4 का पावर n, तो ऑप्शन देखो ए बराबर बी हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन डायरेक्टली चेक कर लो क्या क्या ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हुई डिस्कशन की बात, ठीक है ना। अब आगे अपने पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है
लास्ट टू डिजिट और लास्ट थ्री डिजिट ऑफ ए नंबर। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो नंबर लिया मैंने 3157282, तो तुमसे पूछा जाए लास्ट डिजिट कितनी होगी। ठीक है ना, तुमसे पूछा जाए इसकी लास्ट डिजिट होगी शायद 2। फिर लास्ट टू डिजिट की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, बहुत इजीली 82। लास्ट थ्री डिजिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 282। अब देखो इसको बाइनोमियल से कैसे देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो व्हाट इज रिमाइंडर, अगर इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शायद आएगा 2, है ना, लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा। तो हम बोल सकते दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है ना, 82 लास्ट टू डिजिट के लिए शायद मुझे 100 से डिवाइड करूं तो जो क्या रिमाइंडर होगा, 82 100 से डिवाइड करने पे। तो इसका मतलब दिस इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10^2। और शायद मैं 1000 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट तीन डिजिट होगी, मतलब दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10^3। तो बेसिकली रिमाइंडर का ही पार्ट है क्या, लास्ट टू डिजिट। जब लास्ट डिजिट निकालनी हो तो डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट निकालनी हो तो डिविजिबिलिटी बाय 100 चेक करेंगे, लास्ट तीन डिजिट तो डिविजिबिलिटी बाय 10^3, इवन लास्ट फोर डिजिट निकालनी हो तो डिविजिबिलिटी बाय 10^4। ठीक है ना। अब जैसे मैं तुमने पूछूं फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ 17^10, हमसे पूछा जाए कि इसकी लास्ट टू डिजिट निकालनी है, तो इसका मतलब लास्ट टू डिजिट का मतलब कोई बोलेगा डिविजिबिलिटी बाय क्या हो गई, 100। तो कल जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है ना, क्या कि रिमाइंडर जैसे मान लो 100 से, वहाँ 25 से रिमाइंडर निकालना रहता था, तो हम 25 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करते थे। अभी हमें किससे रिमाइंडर निकालना है, 100 से, तो हम इसको 100 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 100 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन सब केसेस में हम हमेशा 10 लैम्डा प्लस माइनस 1 में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तुम ट्राई करो, 100 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हर किसी को 10 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, तो जैसे इसको 17^2^5, 17^2^5 को लिखा, ये हो जाएगा 289^5। ठीक है ना, तो जिसको हम लिखेंगे 290-1^5। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक हम अच्छे से समझ रहे हैं लेकिन बाद में डायरेक्ट दिमाग में रखेंगे। इसको लिखा 5c0 290^5 -5c1 290^4 +5c2 290^3 +5c3 290^2 -5c4 290^1 +5c5। एक एक्सपेंशन पूरे से समझा रहा हूँ। एक चीज देखो, इसमें ऑब्वियसली 290^5 है तो लास्ट में 5 जीरो आएगी तो हमें लास्ट टू डिजिट नहीं मिलेगी, 4 जीरो आएंगी लास्ट टू डिजिट नहीं मिलेगी, 3 जीरो आएगी लास्ट टू डिजिट नहीं मिलेगी, 2 जीरो आएगी लास्ट टू डिजिट नहीं मिलेगी, 1 जीरो आएगी यहाँ मिलेगी, यहाँ भी मिल जाएगी, जीरो आएगी नहीं। तो इसका मतलब कभी भी हम जब भी स्टार्ट करेंगे ना ये सवाल, तो एक्सपेंशन शुरू से नहीं पीछे से ओपन करना है। ठीक है ना, कि हम जैसे पीछे से लिखते जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5c5, फिर लिखेंगे -5c4 290^1, इसके पहले वाले में 5c3 290^2 लिखेंगे तो ऑब्वियसली 2 जीरो आएगी, तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं क्योंकि 100 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ 100 से डिविजिबल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो सिर्फ लास्ट टू डिजिट हमारी रिमाइंडर देगी, तो लास्ट टू डिजिट निकालते हैं। तो ये बना लास्ट में -5 × 290+1, तो ये बन जाएगा -1449 शायद। ठीक है ना, -1449 ये माइनस प्लस ये वाला माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस बना,
तो प्लस का 1449, तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 49। तो यही हमारी क्या होगी, लास्ट टू डिजिट। तो दिमाग में क्या रखना है, हमेशा इस नंबर को लास्ट टू या लास्ट थ्री डिजिट निकालने के लिए 10 लैम्डा ± 1 में कन्वर्ट करो, करोगे एक्सपेंशन पीछे से स्टार्ट करोगे, लास्ट वाला लिखा उसके जस्ट पहले वाला लिखेंगे, ठीक है ना, 290 का पावर 1, इसके अगले वाले में 290 का पावर 2 आया तो 2 0 आ जाएंगी, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। लेट से लास्ट 3 डिजिट निकालनी होती तो ये भी लिखना पड़ता, इस बार ये वाला 290 का पावर 3 में 3 0 आती, 1000 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी पे एक एग्जाम्पल तुम लोग सॉल्व करो। फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ 3 to the power 81, ठीक है ना। अब ये अपनी वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो 2-3 मिनट के लिए, वरना लास्ट में क्या करो, आंसर चेक करो। फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ 3 to the power 81, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको 10 लैम्डा ± 1 में कन्वर्ट करना है, तो 3 to the power 2 9, तो हमने इसको लिखा 3 × 3 to the power 80, 3 × ये हो जाएगा 3 का पावर 2 का पावर 40, 3 × ये हो जाएगा 9 का पावर 40, तो ये हो जाएगा 3 × 10 − 1 का पावर 40। अब इसका एक्सपेंशन शुरू किया लेकिन पीछे से, ठीक है ना। लास्ट वाला बनेगा 40C40 − 1 का पावर 40, 10 का पावर 0, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट बनेगा +40C39 − 1 का पावर 39, 10 to the power 1, 1 0 आएगी। प्लस 40C38 − 1 to the power 38, 10 to the power 2। इसके अगले वाले में करोगे 10 to the power 3 आ जाएगा, 3 0, 10 से डिविजिबल, 1000 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको लिखा हमने 3, सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 1 × 1 × 1, प्लस ये हो जाएगा शायद −40 × 1 × 10, प्लस ये होता है 40 × 39/2 × 1 × 100, ठीक है ना। तो ये बना 3 1 − 400 + 78,000 शायद। अब देखो कैलकुलेशन से दिमाग में आया कि ये भी शायद किससे डिविजिबल है, 1000 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हटा दो। तो ये बना 3 × −399, जिसको हम लिखेंगे −1197, ठीक है ना। अब नेगेटिव आ गया, 1000 से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली रिमाइंडर मेरा −197 आना चाहिए था, सही बात है, ये हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, −197 आना चाहिए था। तो नेगेटिव के केस में जो डिवाइजर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो प्लस कितना ऐड कर दिया, 1000 ऐड कर दिया, तो कितना बना 803। ये हमारी क्या जाएगी, लास्ट 3 डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल को अप्रोच ऐसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना मूव करते हैं, न्यूमेरिकली एंड एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। तो पहले इसके में इसको यहाँ पे पहुँच कैसे निकालेंगे ये सब देखने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे देखो 2x + 3y का पावर 10, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोफिशियंट, ठीक है ना, एक होता है बाइनोमियल कोफिशियंट। तो पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर यहाँ से बात करेंगे। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ 2x, जैसे इसमें ये जो बाइनोमियल वाले क्या टर्म आएंगे, तो शायद इसमें वो आएगा ना 10C0 10C1 10C2 10C3 up to 10C10, इन सब को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशियंट, बाइनोमियल कोफिशियंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे अगर तुम्हें मैं बोलूं कि इसका फोर्थ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म का कोफिशियंट, तो फोर्थ टर्म हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म हम लिखेंगे 10C3 3y का पावर 3 2x का पावर 7, ऐसा लिखा जाएगा। तो देखो 10C3 फोर्थ टर्म, कोफिशियंट की बात की जाए तो ये वेरिएबल हटा दो, वो कोफिशियंट होता है, तो ये बनेगा 10C3 3 का पावर 3 2 का पावर 7, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशियंट। लेकिन तुम्हें पूछा कि फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशियंट क्या है, तो बाइनोमियल कोफिशियंट सिर्फ ये होगा,
क्या होगा, 10C3। तो लैंग्वेज लिखी हो ना बुक में या शीट में अपने, कि बाइनोमियल कोफिशियंट की बात हो रही है कि कोफिशियंट की, तो बाइनोमियल कोफिशियंट इसको बोलते हैं खाली इनको, 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C10, और कोफिशियंट पूरे को बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें वेरिएबल हटा दो, जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशियंट बोलते हैं। तो अभी अपने पहले इस पर डिस्कस करें बाइनोमियल कोफिशियंट। तो जैसे ये 2x + 3y⁻⁷ है, तो इसमें ये बाइनोमियल कोफिशियंट 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 अप टू क्या रहेंगे, 10C10। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो 2x + 3y⁻² होता, तो बाइनोमियल कोफिशियंट होते 2C0, 2C1, 2C2, सही बात है। इनकी वैल्यू होती है 1, 2 और 1। ऐसे ही 2x + 3y⁻³ मान लो 3 रहता पावर, तो बाइनोमियल कोफिशियंट 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, इनकी वैल्यू 1, 3, 3 और 1। लेट से पावर 4 होती है, तो बाइनोमियल कोफिशियंट 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, मतलब 1, 4, 6, 4, 1। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, मान लो पावर क्या होता 5, तो बाइनोमियल कोफिशियंट 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, इनकी वैल्यू 1, 5, 10, 10, 5 और 1। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि शायद देखो बीच वाला बाइनोमियल कोफिशियंट ग्रेटेस्ट है, यहाँ बीच वाले दो ग्रेटेस्ट है, यहाँ बीच वाला एक ग्रेटेस्ट है, यहाँ बीच वाले दो ग्रेटेस्ट है। अच्छा, तो हम ऐसा बोलते हैं, इन सब से हमने एक समराइज करके रिजल्ट निकाला कि बाइनोमियल कोफिशियंट होता है मिडिल टर्म का ऑलवेज ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। कैसे, जैसे इसकी मिडिल टर्म निकालनी थी तो पावर डिवाइड बाय 2 करते थे, 2/2 कितना आता, 1, तो 2C1 हमारा ग्रेटेस्ट बन रहा है। यहाँ बात करें पावर 3 है, 3/2 करते 1.5 के आजू बाजू के 1 और 2, तो 3C1 और 3C2 ये हमारे क्या है, ग्रेटेस्ट। पावर 4 है तो 4/2 2, तो 4C2 वाला ग्रेटेस्ट, यहाँ दो ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट यहाँ से निकला बाइनोमियल कोफिशियंट के लिए, यहाँ लिख रहा हूँ क्या, मिडिल टर्म ऑफ एन एक्सपेंशन हैज हाईएस्ट या हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट। ठीक है ना, मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशियंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटेस्ट। कोफिशियंट नहीं करे, क्योंकि कोफिशियंट में तो जैसे बाइनोमियल कोफिशियंट मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट है, जरूरी नहीं है मिडिल टर्म का कोफिशियंट भी ग्रेटेस्ट हो। कोफिशियंट में ये 3 का पावर 3 और 2 का पावर 7 भी आ रहा है, तो इनमें 3 फैक्टर गवर्न कर रहे हैं ना, 10C3, 3 का पावर 3, 2 का पावर 7। तो इसीलिए अभी तक तो इसकी बात कि बाइनोमियल कोफिशियंट क्या होता है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पावर 10 है तो बाइनोमियल कोफिशियंट 10C3 वाले को, 10C4, 10C5 को बोलते हैं। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशियंट ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकली एंड एल्जेब्रिकली वाले पे। अब अभी तक तो हमने देखा कि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशियंट सबसे ग्रेट है, सब दो चीज़ें, बाइनोमियल कोफिशियंट क्या होता है, कोफिशियंट क्या होता है, और फिर देखा कि बाइनोमियल कोफिशियंट मिडिल टर्म का ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटेस्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकली एंड एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसमें भी पहले न्यूमेरिकल और एल्जेब्रिकली क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 1, 3, -14, 10, 5, 1, 3, 14, 10, 5, 1, -3, 14, 14, -14, 5। तो देखो यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1, 3, -14, मतलब मॉड ले लो और फिर बताओ, ठीक है ना। मॉड ले लो तो ये 1, 3, 14, 10 और 5, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ये बनेगा ना 14, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट -14 बोलेंगे, ठीक है ना। -14 इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकली का मतलब हमने मॉड ले लिया होगा, ठीक है ना। अब इस केस में अगर मैं बोलूं 1, 3, 14, 10 और 5, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सी, ऑब्वियसली 14। इस केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है 14 और -14, क्योंकि मॉड लोगे तो यही दो वैल्यू सबसे बड़ी बनेंगे, 14 और -14, तो ये तो होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब देखो
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा वैल्यू जो न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है उसके आगे माइनस लगा दिया तो क्या वो एल्जेब्रिकली सबसे छोटा हो जाए? एल्जेब्रिकली का मतलब, एल्जेब्रिकली का मतलब होगा विद साइन देखना है, ठीक है ना? तो जो वैल्यू न्यूमेरिकली सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है तो एल्जेब्रिकली क्या हो जाएगा? लोएस्ट। तो ये वाला शायद एल्जेब्रिकली लोएस्ट वैल्यू रहा होगा, ठीक है ना? अब अगर वही पॉजिटिव साइन के साथ है, जैसे इस केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है और साथ में पॉजिटिव साइन के साथ है, तो क्या इसको हम एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं? ठीक है ना? वैसे ही इस केस में ये हमारा एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये हमारा एल्जेब्रिकली लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमें ये समझना है कि इसमें न्यूमेरिकली और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट में हम बाइनोमियल में हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकाल लेंगे। एक बार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ गया फिर उसका साइन चेक कर लेंगे, अगर वो प्लस साइन के साथ है तो वो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और अगर वो माइनस साइन के साथ है तो एल्जेब्रिकली लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब अपने बाइनोमियल पे मूव करते हैं, ठीक है ना? हमसे ये पूछा जाए कि एक्स प्लस वाई का पावर एन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, ठीक है ना? तो हम कैसे मूव करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो एक्स प्लस वाई का पावर एन में हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो हम ऐसा बोलते हैं, देखो एक्स प्लस वाई का पावर एन है तो लेट टी आर प्लस वन बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सबसे बड़ी टर्म है ये। तो अगर ये सबसे बड़ी टर्म है तो टी आर प्लस वन का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर का मॉड रहेगा, मतलब अगर कोई वैल्यू सबसे बड़ी है तो ऐसा हो सकता है ना बाइनोमियल में, जैसे मिडिल टर्म में दो सेम आ जाते हैं, तो अगर ये सबसे बड़ी है तो ये अपने पीछे वाले से या तो बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, क्योंकि बराबर जैसे हमने देखा था ना 1 5 10 10 5 1 आ रहे थे। अगर ये सबसे बड़ी है तो ये अपने पीछे वाले टी आर, एक पीछे वाले टर्म से या तो बड़ी रही होगी या क्या रही होगी, बराबर, सही बात है? ऐसे ही टी आर प्लस वन का मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू रहा होगा, ठीक है ना? मतलब अगर ये सबसे बड़ा है तो अपने आगे पीछे वाले दोनों से या तो बड़ा रहा होगा या क्या रहा होगा, बराबर। तो ये रहा, तो हम अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? टी आर प्लस वन का मॉड, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो टी आर प्लस वन यहाँ से बनेगा एन सी आर वाई का पावर आर एक्स का पावर एन माइनस आर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू एन सी आर माइनस वन वाई का पावर आर माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन का मॉड। अब इसको इधर लेके आया तो ये बनेगा मॉड ऑफ एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ठीक है ना? ये वाई कैंसिल आउट होगा, यहाँ वाई बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ शायद एक्स बच जाएगा, ठीक है ना? अब एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन बनता है प्रॉपर्टी से एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू यहाँ बनेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड सॉरी मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना? आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई, हमें ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ये बीच की कैलकुलेशन नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई, मॉड एक्स फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो इसको मैं ऐसा लिख भी रहा हूँ आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ठीक है ना? इस फॉर्मेट में याद रखना है अपने को इसको। अब कोफिशियंट की बात हो रही है तो एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, क्या इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट गिवन देन टेक वेरिएबल इक्वल्स टू वन, अगर वैल्यू वेरिएबल्स की नहीं दी हुई है तो वेरिएबल्स की वैल्यू हम ऑलवेज क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, ठीक है ना? अब देखो इस पे नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
तो अभी तक हम बात कर रहे हैं एक्स प्लस वाई का पावर एन प्लस वन में, सॉरी एन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकालना था, तो हम टी आर प्लस वन का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर का मोड लेके चले, तो आर हमारा लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स अपॉन वाई आ गया, मतलब आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ऐसा निकल आया। अब देखो, अब एक बार के लिए मैं याद करा रहा हूँ, बाद में इसका प्रूफ देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं m, तो हमारा r लेस देन इक्वल टू क्या आ गया m। तो अगर हमारा m इंटीजर आता है तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएंगी, एक आएगी टी एम एक आएगी टी एम प्लस वन, ठीक है ना। अगर m नॉन इंटीजर आता है तो एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी, दैट इज होगी टी ऑफ बुक्स एम प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम। अब पहले इसकी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़्यादा समझा नहीं रहा, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इससे छोटा इंटीजर, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। ऐसे ही 3.4, जस्ट इससे छोटा ग्रेट इंटीजर ग्रेटेस्ट 3, ठीक है ना। अगर 3 रहता है तो 3 ही आएगा, मतलब इंटीजर के केस में सेम ही आएगा, बाकी हर केस में, इवन 3.99 भी हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके पीछे का इंटीजर कितना आएगा, 3, ठीक है ना। तो ये आएगी टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम प्लस वन। तो हमें ओवरऑल ये रिजल्ट याद रखना है, हमें ये रिजल्ट ही काम आएगा, ठीक है ना। ऑल द प्रूफ भी देखेंगे अपने कैसे आ रही है वैल्यूज, लेकिन अभी के लिए याद रखना x प्लस वाई का पावर n में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकालना हो तो ऐसा शुरू हुए हम, r लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई आएगा, तो r लेस देन इक्वल टू m आया, ये आया, इसको हमने m मान लिया। अगर m इंटीजर आता है तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और m अगर नॉन इंटीजर आता है तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, टी ऑफ बॉक्स m प्लस वन, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे मान लो 2x+3y का पावर 20 की मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, आर लेस देन इक्वल टू 20+1 अपॉन 1+ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का मोड। कुछ एक्स वाई नहीं दिया हो तो एक्स और वाई को वन वन ले लो, तो आर लेस देन इक्वल टू 21 अपॉन कितना आ गया 1+, कितना आया ये 2/3, तो आर लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा 63/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो आर लेस देन इक्वल टू 12.6 ऐसा आ जाएगा। ये वैल्यू जो आई नॉन इंटीजर आई, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा टी ऑफ बॉक्स एम प्लस वन, तो टी ऑफ बॉक्स एम मतलब 12.6 का बॉक्स प्लस वन, तो टी ऑफ 13, ये 12 बनेगा ना, 12+1 13, T13 हमारी ग्रेटेस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो आर, ये वैसे ज़्यादा काम अपने आएगा नहीं प्रूफ बता रहा हूँ, आर लेस देन इक्वल टू 12.6 है, तो हम कहेंगे आर की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 12, ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ना आर लेस देन इक्वल टू 12.6 को। देखो जीरो लेते हैं, तो जो हमारा हम इसको लेके चले थे ना, इसमें टी आर प्लस वन का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर का मोड, तो आर जीरो लिया, तो जीरो पे यहाँ लेस देन इक्वल टू में, मतलब लेस देन के लिए वैलिड होगा ना जीरो, तो जीरो लेस देन के लिए वैलिड होगा, तो जीरो पुट करते तो यहाँ से फोर आर बराबर जीरो, टी वन ग्रेटर देन क्या बनेगा, टी जीरो बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आर वन लेते हैं, वन लेते हैं, तो वन भी यहाँ इक्वलिटी नहीं, लेस देन से वैलिड होगा, तो यहाँ टी टू ग्रेटर देन टी वन बनेगा। तो ऐसे ये टी नॉट से टी वन बढ़ा, फिर टी टू बढ़ा, आर टू लोगे तो टी थ्री बढ़ा, टी फोर बढ़ा, 12 तक जाओगे ऐसे करते करते T13, तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, T13 आ जाएगा। अब आगे आगे के लिए हम बोलेंगे टी आर प्लस वन, एक हमने ये भी एक्सप्रेशन लिखा था टी आर प्लस टू का मोड, ये एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे जो भी आंसर आता है तो वहां से टी आर जो ये T13 ऐसा आएगा, T13 ग्रेटर देन T14 ग्रेटर देन T15, सॉल्व कर लेना ऐसे ही, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखो टी नॉट टी वन टी टू टी थ्री टी ट्वेल्व टी थर्टीन, फिर T13 सबसे बड़ा, फिर ऐसे छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल T13 सबसे बड़ा आएगा, जो डायरेक्ट हमने यहाँ से याद कर लिया है, ठीक है ना। तो हमारे याद वाला ज़्यादा काम आएगा।
ऐसे ही मान लो इसको सिंप्लीफाई करते और यहाँ ये नहीं, यहाँ कितना आ जाता, ऐसा आ जाता एक्सप्रेशन, आर लेस देन इक्वल टू कितना आता 12, ठीक है ना। तो आर लेस देन इक्वल टू 12 के केस में हम बोलते दो ग्रेटेस्ट टर्म, वो भी देखो कैसे, तुम आर लेस देन इक्वल टू 12 को सेटिस्फाई करते यही वैल्यू सेटिस्फाई करती, 0, 1, 2, 3, 4, 6 अप टू 12। तो जीरो लेते तो जीरो यहाँ इक्वलिटी नहीं आती, तो टी नॉट मतलब जीरो के लिए टी नॉट लेस देन क्या बनता T1। फिर वन लेते वन भी इक्वलिटी नहीं आती, तो लेस देन T2, लेस देन T3, ऐसे करते लेस देन T12 तक पहुँचते, क्योंकि 11 लेते तो 11 लेस देन 12 वैलिड होता, तो लेस देन के हिसाब से ये बनता। जैसे 12 लेते तो 12 बराबर 12 बन जाता हमारा, बराबर 12 बनता तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी जैसे यहाँ R12 लेने इक्वलिटी के लिए वैलिड हो रहा है, तो यहाँ भी इक्वलिटी के लिए वैलिड होगा, क्योंकि यहीं से तो चल के यहाँ तक पहुँचे थे अपने, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे बराबर क्या आ जाएगा T13। अब वही इसको लेके चलोगे तो आगे वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बेसिकली ये प्रूफ अपने कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना पार्ट काम का था, क्या कि आर लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन फर्स्ट टर्म, वन प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, वेरिएबल नहीं दिए हुए तो वन पुट करो, सॉल्व करो, अगर नॉन इंटीजर आए तो एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, अगर नहीं आए तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। अब ये कुछ एग्जाम्पल है सॉल्व करने हैं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो अपना एक बार वीडियो पॉज करो और कितने 5 सवाल 15 मिनट लो अप्रॉक्सीमेट, तो ट्राई करो, ठीक है ना। वैसे ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, 15 मिनट टाइम लगेगा नहीं। अब मैं इसके सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो हम लिखेंगे आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ऐसे बनेगा। तो आर इज लेस देन इक्वल टू 22 अपॉन एक्स वन पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा शायद 5 इंटू, यहाँ आ जाएगा 3, ये आएगा ना। हाँ तो ये बनेगा आर लेस देन इक्वल टू 66 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 13.2। तो आर लेस देन इक्वल टू 13.2 आ गया, इंटीजर नहीं है तो आंसर T14, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगी T14। ऐसे ही नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिकली लोएस्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो हम कहते हैं देखो इसमें भी किया आर लेस देन इक्वल टू 48 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ठीक है ना, ऐसा लिखा। अब एक्स का वैल्यू वेरिएबल कुछ नहीं किया दिया हुआ तो वन पुट कर दिया, वन पुट करते हैं तो आर लेस देन इक्वल टू 40 कितना आएगा, ये 49 इंटू 7 सॉरी 5 अपॉन 7, तो आर लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। आर लेस देन इक्वल टू 35 आएगा तो यहाँ पे इंटीजर आ रहा है तो T35 और T36 ये क्या हो जाएगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब बात आई इसमें एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट की, तो मैंने बोला था एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने वहाँ देखा था ना साइन चेक कर लो, अगर साइन प्लस साइन के साथ है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाए सॉरी एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और अगर माइनस साइन के साथ है तो एल्जेब्रिकली लोएस्ट। तो T35 वाले में अगर टर्म लिखते हैं T35, देखो T35 टर्म बनेगी, आर एक पीछे का 34 यूज करेंगे ना तो ये बनेगा 48C34 माइनस 5x का पावर 34 2 का पावर 14, और T36 की बात करेंगे तो 48C35 माइनस 5x का पावर 35 2 का पावर 13, ऐसा बनेगा ना। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा नेगेटिव, तो T35 जो हो जाएगी वो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगी और T36 जो है वो एल्जेब्रिकली क्या हो जाएगी लोएस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करते हैं, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो आर लेस देन इक्वल टू 15 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन माइनस 5x, इस बार x का वैल्यू कितना दे रखा है 1/5, पुट करते हैं x का वैल्यू 1/5 तो ये बनेगा आर लेस देन इक्वल टू, यहाँ 1/5 पुट करेंगे तो ये 16 अपॉन 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो आर लेस देन इक्वल टू 4, अगेन इंटीजर आया तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगी T4 और T5, ठीक है ना। थर्ड वाला नेक्स्ट फोर्थ वाले पे मूव करते हैं, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, तो अगेन
आर लेस देन इक्वल टू 15 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ये बनेगा 2x अपॉन माइनस 5y का मॉड। x और y की वैल्यू 2 और 3 दी हुई है तो रखते हैं, तो आर लेस देन इक्वल टू 16 अपॉन 1 प्लस, ये बन जाएगा 2 रखेंगे तो 4 अपॉन 15, तो आर लेस देन इक्वल टू 16 इंटू 15 अपॉन 19, तो आर लेस देन इक्वल टू ये कितना बनेगा 2 14 19, तो आर लेस देन इक्वल टू सिंप्लीफाई करते तो ये कितना बनेगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। नॉन इंटीजर आ रहा है तो एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो जाएगी T13, ठीक है ना। एंड लास्ट फिफ्थ वाला, फाइंड इंडेक्स एन ऑफ बाइनोमियल इफ ओनली नाइन्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म। तो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं फिफ्थ वाले के लिए, ओनली नाइन्थ टर्म बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो हम कहते हैं क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन, बनेगा आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे तो शायद एक्स बाय टू का मोड, कुछ नहीं दिया हुआ तो एक्स के बारे में, तो ये बनेगा एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन बाई टू, तो आर लेस देन इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन अपॉन थ्री। अब ओनली नाइन टर्म, मतलब एक ही टर्म ग्रेटेस्ट तब आ सकती है जब ये क्या हो, ये वैल्यू जो है नॉन इंटीजर हो, पहली चीज तो, ठीक है ना। और दूसरा, नाइन कब आएगी, नाइन तब आएगी ना जब ये एट पॉइंट समथिंग टाइप का रहा होगा, 8.2 8.3 ऐसा रहा होगा, तो टी नाइन ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इवन 8.9 भी रहा होगा तो भी क्या हो जाएगी, नाइन टर्म ग्रेटेस्ट रही होगी ना, ये हमें सोचना है खुद। तो हम बोलेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ट्वाइस एन प्लस वन अपॉन जो थ्री है, ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 8 से 9 के बीच में होना चाहिए। अब इसको इधर ले जाओ, एन प्लस वन जो है इधर जाएगा तो ये कितना बना 12 से 13.5, एन जो है वो 11 से 12.5 आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 12 से 12.5 के बीच में एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रही है, दैट इज एन बराबर 12, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के हिसाब से इतना ही थ्योरी वाइज, तो ठीक है ना, कि हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर, और दूसरा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और हाँ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, कौन सा बाइनोमियल मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है। तो आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाइनोमियल सीरीज शुरू करेंगे और ये डिस्कस करेंगे।